नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। हरियाणा टूर के दूसरे पड़ाव पर आज हम आए हैं अमित भाटी जी, जो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के एक बहुत ही अहम सदस्य हैं और पेशे से वकील हैं और शौक के लिए खेती भी करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, मेरी इनसे चर्चा हुई के अमरूद में कटिंग के बाद जो थिनिंग का कार्य होता है वो क्या होता है, उस पर चर्चा हो रही थी और मैंने इनको दिखाया कि अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप भी देखिए, और वो कन्विंस हुए इस बात से कि हाँ, हमें कटिंग के बाद जब कल्ले निकल जाते हैं तो थिनिंग करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए यह मैंने बताया। इसे मैं अलग से नहीं बता सकता, अगर किसी को सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो हरियाणा के लोग हैं वो अमित जी से संपर्क कर सकते हैं, अभी मैं इनसे आपको एड्रेस दिलाऊंगा, और जो मेरी ओर के हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये इनका हिसार सफ़ेदे का है। आइए मैं अमित जी से आपका इंट्रोडक्शन करा। अमेजिंग किसान के सभी दर्शकों को अमित भाटी एडवोकेट का नमस्कार। मैं हरियाणा राज्य के जींद जिले के अमरेड़ी गाँव से बिलोंग करता हूँ। आज मेरे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है, आज त्यागी जी मेरे खेत पे आए, काफ़ी समय बाद इनसे मुलाकात हुई, बल्कि पहली बार ही मुलाकात हुई है मेरी इनसे, और आज इन्होंने मेरे कटिंग के बारे में जो भी है मैंने इनसे ही सीखा है, और आज उन्होंने जो कटिंग के बाद अगला पड़ाव होता है थिनिंग का, जो बहुत ज़रूरी है अच्छे फ्रूट की क्वालिटी फ्रूट की प्रोडक्शन लेने के लिए, आज इन्होंने कुछ टिप्स दी है मुझे, अभी आपके साथ कुछ शेयर भी करेंगे हम आपके साथ। ये मेरा देखिए हिसार सफ़ेदा का बाग है, 1.25 साल का बाग है ये, मैंने इसकी प्लांटेशन की थी 2019 के नवंबर महीने में, तो उसके हिसाब से लगभग ये 1 साल 4 या 5 महीने का बाग हो गया। ये देखिए, इसकी मैं 2 बार प्रूनिंग कर चुका हूँ त्यागी जी से सीखकर, और आज त्यागी जी ने बताया आपने प्रूनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। अब थिनिंग के बारे में बताया, थिनिंग के बारे में आपको दो एक बात बता देता हूँ, जैसे आप कटिंग करेंगे तो इस पर अगर आपने पौधे का रखरखाव अच्छा किया तो बहुत तेज़ी से देखिए इसके अंदर नए नए कल्ले निकलेंगे। थिनिंग का मतलब ये है आपको अच्छे फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए हमें किन शाखाओं का चयन करना चाहिए और कितनी शाखाएं रखनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा शाखाएं रख देंगे, थिनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो पौधे का खाना है वो ज़्यादा फ्रूट के अंदर जाएगा और फ्रूट का साइज़ और उसका टेस्ट जो अच्छा बनना चाहिए, जो मार्केट में क्वालिटी ए ग्रेड क्वालिटी में आना चाहिए, वो नहीं आएगा, आपका फ्रूट सामान्य ही रह जाएगा और अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। इस वजह से उसके लिए थिनिंग बड़ी ज़रूरी है, ताकि हम जो अननेसेसरी शाखाएं हैं उनको हटाकर केवल वही शाखाएं रखें जो हमारे काम की है, और ताकि हम उनसे अच्छा फ्रूट का प्रोडक्शन ले चुके हैं। ये देखिए, मैंने साथ में गेंदा भी लगाया है इसके अंदर। गेंदा दो चीज़ करता है, एक एक्स्ट्रा आमदनी भी देता है और साथ में निमाटोड से भी आपके पौधों की रक्षा करता है। ये कलकत्ती लड्डू गेंदा है, तो अगर आपके पास इस तरह से ज़मीन एक्स्ट्रा पड़ी है तो आप साथ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। अच्छा अमित जी, ये बताइए आपने ये कितनी डिस्टेंस पे लगाया हुआ है? सर, मैंने हिसार सफेदा 12x12 पे लगाया हुआ है, रिकमेंडेशन थी 20x20 पे। अच्छा। लेकिन मैंने कंसल्ट करके 12x12 मुझे उपयुक्त डिस्टेंस लगा, कटिंग करके इस पे आराम से दूरी को मैनेज किया जा सकता अच्छा। है। अच्छा, ये जो गेंदा आपने लगाया हुआ है, ये आपका खेत जो है कितने एकड़ का है ये जिसमें अमरूद लगा हुआ है? जमीन के 2 एकड़ के टुकड़े में ये अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। 2 एकड़ में? अच्छा, इसमें से जो गेंदा लगाया है अभी आपने, ये कितना गेंदा हो जाएगा, इससे क्या आमदनी कुछ होगी, थोड़ा सा मतलब इसके बारे में? गेंदे के बारे में देखिए, कैश क्रॉप है, इसका ज़्यादातर जो सही मैनेजमेंट पैसे की होगी वो बिल्कुल एंड में जाके होती है, और मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। फिर भी सारा खर्चा काट के मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपये एकड़ की आराम से बचत हो जाती है, और ऊपर का सिरा कुछ भी नहीं है, मार्केट में अगर अच्छे रेट मिले तो 2-3 लाख रुपए तक आराम से बचत हो सकती है। एक एकड़ में? हाँ जी, एक एकड़ में। एक एकड़ में अमरूद रहे अलग? अमरूद रहे अलग सर। तो किसान साथियों, ये देखने की बात है कि ये होता है एक पढ़े लिखे इंसान की खेती करने में, बागवानी करने में, इसलिए मैं कहता हूँ कि बागवानी खेती नहीं है, इसका बिल्कुल अलग ढंग से करनी है, और इंटरक्रॉप भी करिए आप। मैं ये सबसे अच्छी बात ये लगी, मैंने कल ही देखा मेरे मित्र थे, उन्होंने नींबू के पेड़ अपने लगभग ख़राब कर लिए थे क्योंकि गेहूं बो रखा था। देखिए, इंटरक्रॉपिंग में इन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि इनके पौधे के आसपास कुछ भी ना हो। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा। और गेंदे से हिसार सफ़ेदा में सबसे ज़्यादा निमाटोड की प्रॉब्लम आती है, और हरियाणा में आती है, और इसीलिए ये गेंदा नहीं होने देगा। तो दो फायदे हुए, एक आपकी बीमारी हटाएगा ये,
बीमारी नहीं होने देगा, वो खर्चा बचा। और उसके ऊपर किसान साथियों, अगर एक एकड़ में सब अपनी भी मेहनत लगाकर, सब चीज़ लगाकर अगर आपको 1 लाख भी बच जाते हैं तो मैं इसे बहुत अच्छी आमदनी समझता हूँ। किसानों को कोई आप मतलब संदेश देना चाहेंगे हमारे बारे में, या जो हम करते हैं ग्रुप के बारे में, या इसकी बागवानी के बारे में? कोई देखिए, ऐसा है, हो सकता है आपके मन में किसी प्रकार की भ्रांतियाँ हो, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप से इसलिए अलग है, हम दूसरे ग्रुप्स में ज़्यादातर ग्रुप से जुड़ा हूँ। उनमें क्या करते हैं, मान लीजिए अमरूद का पौधा है, उस पर उन्होंने देखा कोई कीड़ा इसका पत्ता खा गया, पत्ता मुड़ गया, वो फोटो भेजते हैं और उसको दवाई भेज दी जाती है। हमारे ग्रुप में क्या होता है, इस बात पे चर्चा होती है ये बीमारी क्यों आई, किस वजह से आई और आगे भविष्य में ना इसका निदान कैसे हो। दूसरा, हमारे ग्रुप में निमाटोड के बारे में जो हवा बना हुआ है कि निमाटोड का कोई इलाज नहीं है, बड़े बड़े बाग खत्म हो जाते हैं, हमारे ग्रुप में बड़ा गहन मंथन चला है और बहुत ही जल्दी त्यागी जी आपके सामने निमाटोड का बड़ा सार्थक इलाज लेके आएंगे और हमारे उस पर काफ़ी खेतों में प्रयोग चले हुए हैं, केवल एक खेत पर नहीं, काफ़ी खेतों में प्रयोग चले हुए हैं। अगर आपको जुड़ना, हमसे जुड़िए, आप हमारे बीच रह के देखिए, आप हमसे बात करके देखिए, अगर आपको लगे हम किसी प्रकार के वाहियत बात करते हैं, गलत बात करते हैं, आप हमसे अलग हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम केवल सार्थक चर्चा करते हैं। ये देखिए, मैं 1 साल पहले बिल्कुल ही नया था, 1.25 साल पहले बागवानी में, मैं यूट्यूब वीडियो पे कटिंग के वीडियो देखते देखते अचानक त्यागी जी से जुड़ा और आप रिजल्ट देखिए आपके सामने है। मैं कुछ नहीं कहता, 1.25 साल के अंदर पौधा देखिए आप, ये सिर्फ और सिर्फ त्यागी जी की गाइडेंस का और हमारी मेहनत का नतीजा है। केवल त्यागी जी भी कुछ नहीं कर सकते, केवल आप भी नहीं कर सकते, आपका दोनों का मिलना बड़ा जरूरी हो। अमित जी, आप ये बताइए थोड़ा सा, किसानों से जो आसपास के किसान हैं वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं अगर बागवानी में मिली, क्योंकि मैं इतनी दूर बार बार नहीं आ सकता, मुझे हरियाणा में बहुत किसान हैं जो मुझसे चाहते हैं मैं उनके खेत पर जाऊं एक बार उन्हें बताऊं, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं है। तो आप इन्हें ये बताइए कि क्या आप अगर वो बुलाएं तो आप उनके यहाँ जा सकते हैं, और आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दीजिए इनको। जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा नाम अमित भाटी है, मैं जींद जिले के अमरहेडी गांव का निवासी हूँ, जींद जिले से बिल्कुल 2 ही किलोमीटर पर मेरा गांव है, बिल्कुल नज़दीक है। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, और वैसे मेरा नंबर है लिख लीजिए 9215292158 9252, अगर आपको लगता है आपके खेत में कोई समस्या है जिसके आप निदान नहीं हो पा रहा है और आप परेशान हैं कि मेरे पौधों का आप क्या होगा या मेरा बाग समाप्ति कागार पे है, आप एक बार हमसे संपर्क कीजिए हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ग्रुप के थ्रू और हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। अगर आपको लगता है कि हम, अगर आप हमको बुलाएंगे, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे और आपके खेत तक जाके देंगे और भविष्य में आपको गाइडेंस देते रहेंगे जब तक आपको लगे कि मेरे पौधे स्वस्थ हो गए। अगर जो अमरहेड़ी गाँव के आसपास या जींद के आसपास के लोग हैं जो यहाँ से 50-100 किलोमीटर तक है, वो अमित जी के नंबर पर जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर संपर्क करिए या मुझसे संपर्क करिए, मैं इन्हें बता दूंगा। आप उनकी विजिट कराना चाहें वो विजिट कराइए, और अगर उन्हें कोई समस्या होगी तो वो मुझसे बात करेंगे, हम ग्रुप में बात करेंगे, लेकिन आपकी समस्या का निदान हम अवश्य करेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़े, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्री की कोई कदर नहीं है और किसान को एक प्रोफेशनल को कहते हैं व्यावसायिक होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए पहले कुछ, और सीखता वही है जो कुछ थोड़ा खर्च करता है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।